नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 21 इयर्स के और ये जानना चाहते हैं क्या ये गवर्नमेंट जॉब उनको मिल पाएगी और आगे जीवन कैसा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब में IAS ऑफिसर जैसी पोस्ट या अच्छी बड़ी पोस्ट पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब हम इनके पाम को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इस तरह से भाग्य रेखा का यहाँ से चंद्र पर्वत से निकलना इस तरह से और फिर लाइन चेंज कर लेना इधर। और अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर आके स्टॉप हो जाना, फिर हल्का हल्का कुछ चलना और हाथ में यहाँ पर राहु रेखा काफ़ी सारी है इधर। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए 60 साल की उम्र तक कंटिन्यूस इनकम के स्रोत होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से लाइन चेंज होना, जब भी भाग्य रेखा इधर से निकलती है, पहली बात तो ये चंद्र पर्वत से, तो ये फॉरेन कंट्री से इनकम कराती है। फॉरेन कंट्री से इनकम होना, फॉरेन कंट्री के एक तरह से किसी फॉरेन कंपनी के साथ काम करना, इस तरह की चीज़ें योग बनाती है। परंतु यहाँ पर देखें तो ये रेखा इस तरह से चल रही है, यहाँ की रेखा इधर ख़त्म हो रही है, कुछ नया 35वें वर्ष में शुरू करने का दिखाई देता है। अब हाथ में अगर हम देखें जैसे IAS ऑफिसर जैसी पोस्ट के लिए तो माउंट्स अच्छे उभरे होने चाहिए, साथ में यहाँ राहु रेखा बहुत सारी है। दूसरी पिक्चर देखते हैं, देखिए यहाँ पर हाथ में काफ़ी सारी राहु रेखाएं हैं। तो जब इतनी सारी राहु रेखाएं होती हैं, अगर इंसान की गवर्नमेंट जॉब लग भी जाए तो इंसान शांति से जॉब नहीं कर सकता। और साथ में देखिए यहाँ पर राहु रेखा आई और साथ में आइलैंड भी बना रही है। जब इस तरह का आइलैंड बनता है तो इंसान काफ़ी परेशान हो जाता है। देखिए बहुत सारी राहु रेखा, कदम कदम पे ऐसा लगता है ज़िंदगी में हर साल एक प्रॉब्लम का आना, निराशा आना, आर्थिक नुकसान होना, इस तरह की चीज़ें दर्शा रहा है। और ये राहु रेखा इनको काफ़ी लंबे समय तक परेशान कर रही हैं। जैसे कि अगर हम मान के चलें जीवन में 35 वर्ष तक काफ़ी ज़्यादा परेशान किए, फिर 40, 42 इस तरह से दिखा रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट जॉब में अगर इंसान है तो उसको सस्पेंशन भी लग सकता है। कई बार नौकरी में इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसको नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, या नौकरी में अप्स एंड डाउन्स इतने ज़्यादा आते हैं। तो राहु रेखा जब किसी के हाथ में इतनी ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। साथ ही साथ इस रेखा का इस तरह से बढ़ना और यहाँ पर कट आना, तो ये एक स्टेबल चीज़ नहीं दिखा रहा। यहाँ पर इस तरह से ये काफ़ी सारे कट, धन की रेखा पर भी बहुत कट है। अब यहाँ पर अगर हम देखें एकदम लगातार 60 साल तक बढ़िया इनकम देना एकदम ऐसे, यहाँ पर अगर नौकरी लगती है, रेखा कुछ इस प्रकार से होती, यहाँ से रेखा निकली इस तरह से, तो 60 साल तक इनकम कंटिन्यूस इनकम दे। अगर 30 साल में नौकरी लगती है, 25 साल में नौकरी लगी, तो यहाँ तक 60 साल तक पूरा कंटिन्यूस इनकम देना चाहिए। तो वो चीज़ हाथ में नहीं दिखाई देती। अगर कोई किसी टाइप की छोटी सी जॉब लग भी जाए गवर्नमेंट जॉब, तो ये राहु रेखा इतना परेशान करेंगी कि इंसान को खुद ही जॉब में सर्वाइव करने की दिक्कतें आ जाती हैं। और इसके विपरीत हाथ में जैसे कि गुरु पर्वत पर देखें तो यहाँ पर ये जो हृदय रेखा है, ये अगर गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत पर नहीं आ रही है, ये दोनों पर्वतों के बीच में आ रही है लेकिन इधर गुरु पर्वत पर नहीं आ रही है, तो ये भी एक ड्रॉबैक कह सकते हैं। दूसरा साथ में जैसे जब ये भाग्य रेखा इधर से निकलती है तो ये कोई ऑनलाइन वर्क, विदेशी कंपनी के साथ काम करना, विदेशी कंपनी के एक तरह से इंडिया में कोई ऑफिस खुला उस कंपनी का, या MNC कह सकते हैं आप, तो इस तरह के वर्क से इंसान को फ़ायदा होता है। इस तरह के इंसान वर्क में इंसान राइज करता है, विदेशी लोगों के बीच में बैठ के कमाना, विदेशी कंपनियों से फ़ायदा उठाना, इस तरह के योग हाथ में ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब चलते हैं एनालिसिस की ओर, जिसमें इनकी काफ़ी जो भी क्वेश्चंस हैं सारे कवर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट फाइनेंशियल कंडीशन हो चाहे शादी हो, सब चीज़ कवर हो जाएंगे। हाथ में देखिए यहाँ पर पाम रेक्टेंगुलर है, ऐसे लोग मेंटल वर्क बहुत करते हैं, लंबी लंबी प्लानिंग्स बनाते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स होती हैं। देखिए ऐसे में प्लानिंग का क्षेत्र भी अच्छा है और मस्तिष्क रेखा अच्छी लंबी है, तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करने की आदत होती है ऐसे लोगों को। अगर हम मनी ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल में अगर यहाँ पर छोटा सा मनी ट्रायंगल बना हुआ है तो सेविंग्स भी जीवन में अच्छी रहेगी, बिगर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, ये देखिए यहाँ से इस तरह से बन रहा है, तो ये भी धन को रोकने में सहायक होगी। ये देखिए यहाँ पर धन की तिजोरी अच्छी खासी बन रही है। अब हाथ में M का चिन्ह देखें तो M का चिन्ह थोड़ा सा
देखिए यहाँ पर आके टूट गया और ये इस तरह से चल रहा है, और यहाँ पर भी आके कुछ खास नहीं जोड़ता, एक रेखा जोड़ रही है। तो इस तरह का एम का चिन्ह बन रहा है। तो एम का चिन्ह जैसे हम कहते हैं कि चार रेखाओं से बनता है, लेकिन चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए यहाँ पर चेंज, इस तरह से रेखा का नीचे की ओर झुकना, आपस में इन दोनों रेखा का ना मिलना, यानी जीवन रेखा नहीं मिल रही और साथ में मस्तिष्क रेखा वो भी नहीं मिल रही, और यहाँ पर भाग्य रेखा का चेंज होना। तो ये एम का चिन्ह कुछ अलग तरीके का जस्टिफिकेशन देता है, ये इतना इफेक्टिव नहीं रहता। अब हाथ में देखें पर्वतों में, तो पर्वतों में देखिए गुरु पर्वत उभरा हुआ है, बाकी सूर्य दबा हुआ है, और ये कहना चाहिए बुध का दबा होना, चंद्रमा का दबा होना, मंगल का दबा होना, ऐसे में इंसान परेशान होता है जीवन में, उसके अंदर एक डिप्रेशन की भावना भी आती है, परेशानियां काफ़ी रही होंगी जीवन में। अगर हम इनका देखें 21 साल की उम्र है तो काफ़ी ज़्यादा, देखिए यहाँ पे यव भी है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होंगे इस समय। अब हाथ में देखते हैं यहाँ पर जीवन का ग्राफ देखें, तो जीवन का ग्राफ इनको अच्छा मिलेगा, काफ़ी जीवन में आगे तरक्की करते चलेंगे, और वो तरक्की कैसे करेंगे वो हम इनकी भाग्य रेखा पर जब आएंगे तो वो बताएंगे। अब हाथ में देखिए यहाँ पर इस तरह से ये फिंगर, फर्स्ट फिंगर इधर की ओर झुक रही है, तो ऐसे में इंसान बहुत रिलीजियस माइंडेड होता है, भगवान में बहुत आस्था रखता है, और ये देखिए यहाँ पे ये झरोके बन रहे हैं हाथ में, काफ़ी ज़्यादा गैप्स हैं, तो ऐसे में इंसान को पैसा कहीं ना कहीं खर्च होता रहता है। इंसान की प्रॉब्लम ये होती कि जैसे उसने 1 लाख रुपये कमाया तो थोड़े पैसे 85,000 रुपये उसके ज़रूर खर्च हो जाएंगे, बिना बात के अननेसेसरी खर्चे लगे रहते हैं। और बहुत से लोग पूछते हैं मैडम हाथ में राहु रेखा का क्या इफ़ेक्ट है, राहु रेखा क्या करती है। राहु रेखा देखिए फाइनेंशियली लॉस कराती है, खर्चे करवाती है, कोई ना कोई खर्चा लगा रहेगा, और फिर जो जब इंसान की जो ऐसे जो कोई कुछ कमा के लाया घर पे, सैलरी आती है लोगों की, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरी खर्चे में करवाएगी, तो रेखा अननेसेसरी खर्चे करवा रही है, बेमतलब के खर्चे हो जा रहे हैं, तो इंसान की सेविंग्स कम हो जाती हैं। जैसे कि इंसान की तनख्वाह आई, पता चला कि घर में टीवी ख़राब हो गया, फ्रिज ख़राब हो गया, या आज इस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो इंसान को दोबारा ख़रीदना पड़ रहा है, तो ऐसे में इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो उसकी अपनी खुद की कमाई में से सेविंग्स कम हो जाती हैं इस तरह से धीरे धीरे। अब हाथ में राहु रेखा का अगर समय रहते, राहु रेखा का समय रहते अगर उपाय करा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इन रेखाओं को एक तरह से कह रहे हैं उनके असर को कम किया जा सकता है, पूरी तरह से मिटाया तो नहीं जा सकता। देखिए हमारी किस्मत है, ऊपर वाले ने लिखी है, तो हमें जो उसने फल दिया है वो पूरा भोगना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर हम उपाय करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, और साथ में लोगों को दान पुण्य करना या इस तरह से कोई भी उपाय जिससे दूसरे का सामने वाले का दिल खुश हो, तो ऐसे में उन रेखाओं का असर कम हो जाता है, जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होता है। अब इन दोनों रेखाओं को देखें, इन दोनों उंगलियों को देखें, तो दोनों उंगलियों में गुरु की फिंगर लंबी है, ऐसे में इंसान जीवन में काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। अब देखिए हाथ में इन दोनों फिंगर को देखें तो ये फर्स्ट फेरेंस तक लगभग पहुँच रही है, ऐसे में इंसान काफ़ी टैक्टफुल होता है, काफ़ी काम निकालने अच्छे से जानता है, साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होती है, दूसरों को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, और एक तरह से उनके अंदर काफ़ी कहना चाहिए रिसर्च करने की भावना बहुत ज़्यादा होती है। अब हाथ में चलते दूसरी पिक्चर लेते हैं कि फिंगर के जो ऊपर प्रिंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से ये उड़न लूप है, ऐसे में इंसान को लगता है कि जितनी मेरे अंदर प्रतिभा है उतना मैं राइज नहीं कर पा रहा, उतना उसको लगता है कि मुझे अपने टैलेंट को बढ़ाते रहना चाहिए, अपने टैलेंट को अपग्रेड करने की इच्छा इनमें बहुत ज़्यादा होती है। अब हाथ में चलते हैं शनि की फिंगर की ओर, शनि की फिंगर इस तरह से यहाँ भी उड़न लूप है, ऐसे लोग जीवन में कितनी बाधाएं उन सबको ओवरकम करना बहुत अच्छे से जानते हैं, उनसे निपटना अच्छे से जानते हैं ऐसे लोग। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ये देखिए ये पी हैंड टाइप का निशान है, ये सॉरी पीकॉक टाइप का निशान है, तो पीकॉक टाइप का निशान जब भी हाथ में सूर्य की फिंगर पर होता है तो इंसान के अंदर बहुत कुछ करने की इच्छाएं होती हैं, उसके अंदर बहुत जज्बा, बहुत कुछ करने की, बड़ा करने का बहुत ज़्यादा उसके अंदर जज्बा होता है। अब हाथ में देखिए चलते हैं छोटी फिंगर के लिए दूसरी पिक्चर लेंगे,
अब देखिए अंगूठे में भी यहाँ पर उलन लूप है, तो ऐसे में इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है, दूसरों की बातों के बहकावे में जल्दी आ जाता है, तो ऐसे में इनको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। हालांकि विल पावर अच्छी खासी है। अब देखिए यहाँ पर ये छोटी फिंगर है, अलग से पिक्चर भेजी इन्होंने, यहाँ पर ये छोटी फिंगर पर भी उल्टा लूप है। ऐसे में जब इस टाइप का लूप होता है तो इंसान फाइनेंस के मामले में थोड़ा सा वीक होता है। ये ऐसे लोग पैसा कमा लेंगे लेकिन कैसे रख रखाव करना है, पैसा किसी को नहीं देना है या सामने वालों की बातों में नहीं आना, तो ऐसे लोग थोड़ा सा इस मामले में कच्चे होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की बातों में जल्दी आ जाना, दूसरे जरा प्यार से सिर पे हाथ फेर देते हैं तो ऐसे लोग थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं और तब फिर धोखा खाते हैं। अब देखिए ये चलते हैं पर्वतों की ओर। गुरु पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ है, तो ऐसे में शादीशुदा जीवन अच्छा होता है ऐसे लोगों का। और देखिए क्रॉस का चिन्ह बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में पत्नी बहुत सपोर्टिव मिलती है, इंसान के दुख दर्द को समझती है और उस पत्नी पत्नी के परिवार वाले सब बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत प्यार मानना, बहुत ध्यान देना, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। अब जो है हाथ में यहाँ पर अब हाथ में यहाँ पे चलते हैं शनि पर्वत की ओर। शनि पर्वत पर देखें तो उभरा हुआ है, ऐसे में इंसान के अंदर कोई भी ख़राब समय आता है तो उससे निपटने का, लड़ने का हिम्मत और साहस अच्छी खासी होती है और वो रास्ते भी बना लेता है। यहाँ पर देखिए हाथ में एक ये मछली का चिन्ह है, ओल्ड एज अच्छी खासी लग्जरियस रहेगी, जीवन में सुख सुविधा के साधन ये जुटा लेंगे। अब हाथ में यहाँ पर देखिए सूर्य पर्वत फ्लैट है। ऐसे में इंसान को पिता का सुख कम मिलता है, आँखों का चश्मा होता है, इस तरह की कोई भी बात हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर एक नक्षत्र का अच्छा खासा चिन्ह भी हाथ में दिखाई देता है, तो ऐसे में इंसान नेम फेम भी पाता है जीवन में और अपने जो भी करियर में जो भी जॉब करता है उससे उसको बहुत फ़ायदा मिलता है। अब हाथ में यहाँ पर चलते हैं, देखिए विद्या की रेखा भी बहुत अच्छी है हाथ में, विद्या अच्छी दिलाएगी, काफ़ी नॉलेजेबल बनाना, अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन डिग्री अटेन करना, इस तरह के योग बनते हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो बुध पर्वत अच्छा खासा है, ऐसे लोग अपनी बात कहने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम भी होते हैं। और ये देखिए विवाह की रेखा अगर हम देखें तो यहाँ पर बड़ी गहराई भी, बड़ी मोटी विवाह की रेखा है, तो ऐसे में इंसान को जीवन साथी बड़ी कंपैटिबल मिलती है और उसको ये सब कि अपने हस्बैंड को समझना, अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ करना, बड़ा डिवोशन दिखा रहा है, इस तरह के योग भी बनते हैं। अब हाथ में यहाँ चलते हैं मंगल पर्वत की ओर। मंगल पर्वत थोड़ा दबा हुआ है तो हिम्मत और साहस की कमी होती है, कई बार कोई मुसीबत आती होगी तो ये थोड़ा घबरा जाते होंगे कि कैसे करें क्या करें, इस तरह की सोच बनती है। और जब इंसान देखिए जब ये दो हाथ में ये पोर्शन हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच का जो पोर्शन कम हो, दोनों में डिफरेंस जितना ज़्यादा कम होता उतना ही इंसान में इमोशंस ज़्यादा देखे जाते हैं। अब आते हैं अंदरूनी मंगल की ओर। अंदरूनी मंगल इन्हें अंदर से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड बनाए हुए हैं, हर मुसीबत को लड़ने का सामना अच्छा खासा देते हैं। जब ये बाहरी मंगल थोड़ा दबा हो या कम उभरा हुआ हो तो ऐसे में इंसान के अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है, इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता, उसको लगता है कि नहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इस तरह की भावना देखी जाती है। अब हाथ में यहाँ पर देखिए चंद्र पर्वत को देखें, अच्छा गहराव है, यहाँ से भाग्य रेखा का निकलना, विदेशी कंपनी से फ़ायदा कराना, विदेश के लोगों से बेनिफिट मिलना, विदेशी कोई ऑनलाइन वर्क करना, विदेशी कंपनियों के लिए काम करना और ऐसे जातक कई बार विदेश भी जाते हैं। और देखिए यहाँ पर इस तरह से रेखा इधर की ओर आ रही है, बाद में यानी विदेश के योग भी बनेंगे। अब हाथ में यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये देखिए यहाँ से भी इस तरह से एक रेखा का इतना लंबा निकलना, दो भाग्य रेखा हाथ में, एक ये और एक ये निकल रही है, चलिए इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब भाग्य रेखा पर आएंगे। शुक्र पर्वत देखिए, शुक्र पर्वत इस टाइप का है,
थोड़ा सा घेराव कम है पर उभरा हुआ है। तो ऐसे लोग लग्जरियस लाइफ अच्छी खासी रहती है, अपनी मनमर्जी से जीते हैं, लाइफ को अच्छी लग्जरियस बनाए रहते हैं, लाइफ में काफ़ी सुख सुविधा के साधन मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह की रेखाएं आती हैं तो इंसान को अपनी जीवन में अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, मारना पड़ता है। यहाँ से देखिए इस तरह की रेखाएं आ रही हैं तो कई सारे लोग जीवन में इनके ऐसे होंगे जो इनको गाइड करते होंगे, साथ देना। कई बार होता है कि प्रोटेक्शन लाइन भी कहते हैं, एंजल लाइन्स भी कहते हैं। और यहाँ देखिए इस तरह की जब हाथ की बनावट हो, हड्डी नुमा हो तो पॉइंटेड हो, तो ऐसे में इंसान सादा जीवन उच्च विचार में बिलीव करता है, ज़्यादा पॉम्प एंड शो में बिलीव नहीं करता। अब देखिए विल पावर की बात करें तो विल पावर अच्छी खासी है, लेकिन ये देखिए ये लाइन की कट्स हैं, तो सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन बाद में अगले दिन सुबह चीज़ों में एक तरह से हर्डल्स आने शुरू जाते हैं, व्यवधान आने शुरू जाते हैं। प्लानिंग का क्षेत्र अच्छा खासा है और कहना चाहिए लॉजिक पावर अच्छी खासी है, बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग करना, नए नए आइडियाज़ बनाना, ये सब इनके शौक होते हैं। अब आते हैं रेखाओं की ओर। रेखाओं में देखिए यहाँ पर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों अलग चल रही हैं। ऐसे में इंसान की अपनी परिवार से एक अलग सोच होती है, इंसान की सोच अपने परिवार से मैच नहीं करती है और इस वजह से अपनी फैमिली से विरोध भी रहता है, मतभेद रहता है। और देखिए जिस तरह से, या कई बार माता को कष्ट भी मिलता है। और देखिए जीवन रेखा में यहाँ पर एक यव है, तो ऐसा लग रहा है 20 साल की उम्र के आसपास, 15 से 20 साल की उम्र में काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखना। इसके लिए अब दूसरी पिक्चर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, काफ़ी कदम कदम में जैसे हमने देखा था राहु रेखा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा लग रहा है इंसान को जैसे चैन से जीने नहीं देती हैं ऐसी राहु रेखा, इंसान को पल पल परेशान किए रहती है, हर साल एक नई मुसीबत का आना, हर साल एक नई परेशानी का आना, और इंसान दुखी सा हो जाता है, निराश हो जाता है अपने जीवन में, कैसे करें क्या करें, ये रेखाएं कब ख़त्म होंगी। इस तरह से अब हाथ में यहाँ पर इस राहु रेखा का इनको उपाय करना चाहिए, जैसे कि हर बुधवार इनको मूंग दाल जो हरी छिलके वाली होती है उसका दान करें, कुत्तों को खाना खिलाएं। इस प्रकार से जब ये दान करेंगे तो तब इन रेखाओं का असर कम होगा। जो रेखाएं अपना असर दिखा चुकी हैं वो तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए इन रेखाओं का असर कम हो जाए, परेशानियां कम हो जाए, इसके लिए इनको उपाय करने चाहिए। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा दो है हाथ में, एक यहाँ तक चली, एक भाग्य रेखा यहाँ से निकलती हुई कुछ इस प्रकार से होती हुई यहाँ तक जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ छूटा इनका और यहाँ से ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पर भाग्य रेखा में भी बहुत कट्स हैं, 20वें वर्ष में, फिर 25 वर्ष में, इस तरह से कट, फिर 28 वर्ष में, 30 वर्ष में, ऐसे कट आ रहे हैं, बार बार खर्चे लगे रहना। कई बार होता है कट्स का मीनिंग नुकसान भी होता है, कई बार खर्चे लगे रहना भी होता है, फिर 38 के आसपास कोई खर्चा है, फिर उसके बाद रेखा एकदम सीधी स्मूथ चलेगी, यानी कि 35 के आसपास कुछ जीवन में इतना बड़ा चेंज आएगा कि उनको काफ़ी तरक्की के मौके भी मिलेंगे। अब हाथ में यहाँ पर देखिए ये रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही है, यहाँ से एक रेखा चंद्र पर्वत से निकलना, तो ये सब कुछ विदेश से योग बना रहे हैं, विदेशी कंपनीज में काम करना, विदेश से लाभ पाना, और सरकारी लाभ कम दिखा रहे हैं कि हम कहें कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पर भाग्य रेखा बहुत मजबूत नहीं दिखाई देती, 60 साल तक कंटिन्यूस एकदम चलना। यहाँ पर भी देखें ये यहाँ से भाग्य रेखा निकली तो इधर कट आ गया, इधर निकली फिर एक कट आ गया, तो बदलाव बहुत है भाग्य रेखा में। यहाँ से भी भाग्य रेखा निकली तो एकदम सीधी जानी चाहिए कि कट कहाँ आना बार बार, तो वो ठीक नहीं है। अब हाथ में चलें मस्तिष्क रेखा की ओर, देखिए काफ़ी ज़्यादा दबाव है, ऐसा लग रहा है 35 साल तक तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेना और बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करना, घर की परेशानियों से पारिवारिक परेशानियां इनको उलझाए रखती हैं ऐसे में इंसान को। लेकिन जैसे जैसे इनका 35 वर्ष से क्रॉस होगा आगे का समय तो साफ सुथरा है। इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा होती है तो इंसान का दिमाग काफ़ी तेज़ होता है, व्यापारिक बुद्धि अच्छी होना, एक कहना कि स्मरण शक्ति अच्छी होना, साथ ही साथ ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा जीवन में नए नए आइडियाज़ डेवलप करना, एक्सप्लोर करना, इस तरह की सोच होती है। और ज़्यादा सोचा विचारी की वजह से भी कई बार ऐसी डिस्टर्ब मस्तिष्क रेखा हो जाती है। अब आते हैं हार्ट लाइन की टुवर्ड्स, यहाँ तक दोनों पर्वतों के बीच में जा रही है, तो ऐसे में शनि और गुरु दोनों का असर आता है।
ऐसे लोग दूसरों की मदद भी काफ़ी करते हैं, दूसरों और अपने जीवन में काफ़ी फोकस्ड होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस उम्र में ये काम करना है, इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर इस तरह से थोड़े से फोकस आना, यानी कि इंसान को जीवन में काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हर्ट होना, लोगों को बातें सुना जाना, और एक तरह से थोड़ा सा घबराहट भी रहती है मन में कहीं ना कहीं कि जो मैं चाहता हूँ वो पूरा होगा नहीं होगा, इस तरह की सोच बनी रहती है। अब ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस, अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर। अब देखिए लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पे भी चंद्र पर्वत से रेखा का निकल के आना, ये भी कोई विदेश का इंडिकेशन देती है, और यहाँ पर ये रेखा इस तरह से होकर डबल हो रही है, यानी कि कोई नई अपॉर्चुनिटी का निकल के आना 30 से 35 वर्ष के आसपास, ये भी हैंड यही चीज़ दिखाता है। वशिष्ठ रेखा यहाँ भी लंबी है, हृदय रेखा यहाँ भी इधर की ओर आ रही है। देखा जाए ओवरऑल दोनों हाथ एक से हैं, और जीवन में ये देखिए दोनों हाथ एक से होना, और लगभग लेकिन राइट हैंड में फिर भी ग्रोथ दिखाई देती है, वहाँ पे भाग्य रेखा एकदम सीधी लंबी है, तो और वहाँ पर इस तरह से एक स्टार का साइन भी उधर की ओर दिखाई देता है सन के माउंट पर, तो ये अच्छे चिन्ह हैं हाथ में, तो जीवन में आगे तरक्की कराएंगे। परंतु राहु रेखा का इनको उपाय करना चाहिए, जिससे कि समय रहते उन रेखाओं का असर कम हो, आगे जीवन में कष्ट कम आए और जीवन में तरक्की खूब मिले। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर एक स्क्वायर का काफ़ी ज़्यादा स्क्वायर दिखाई देते हैं, तो ऐसे में देखिए जब स्क्वायर होते हैं तो धन की रेखा को भी काफ़ी बल मिलता है, और यहाँ पर देखें तो एक छोटा सा मंदिर का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए मंदिर का अच्छा खासा चिन्ह है। तो ऐसे में इंसान दान पुण्य बहुत करता है, अच्छे कर्म में काफ़ी विश्वास करता है, काम अच्छे कर्म करने चाहिए जीवन में, उनके उनको लगता है अपने हमारे हाथ से अच्छे कर्म हो, किसी का बुरा ना हो, इस तरह की सोच वाले लोग होते हैं। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस, धन्यवाद।